Now, how can we get the oil? Some plants like sunflower, mustard. इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो चेंज हो जाता है इनटू ऑयल, और ये ऑयल प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है किसी भी प्लेस पर, चाहे उसके सीड के अंदर, चाहे उसके लीव्स के अंदर, चाहे उसके फ्लावर के अंदर। और उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम जब उसका ऑयल निकालते हैं, तो वही ऑयल हमें फैट की तरह एक न्यूट्रिएंट देता है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन those plants who cannot prepare their own food are called heterotrophs, and this mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. This is of some different types. Number one, parasites. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना फूड नहीं बना सकते, लेकिन वो किसी न किसी दूसरे प्लांट के ऊपर अपने आप को गेस्ट कर देते हैं और उस प्लांट को होस्ट बना देते हैं और उसका बना हुआ रेडीमेड फूड लेते रहते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं पैरासाइट, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लाइक हमारे पास एक प्लांट होता है कसकटा, इसको हम हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं। येलो कलर की लीव्स होती है, आप लोगों ने अगर कभी देखा हो, एक क्लाइंबर की तरह किसी भी ट्री के ऊपर चढ़ जाती है। खुद फूड नहीं बना सकती क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, और जब ये किसी प्लांट के चारों तरफ लिपट जाती है, वर्लिंग कर लेती है, तो ये उस प्लांट का बना हुआ रेडीमेड फूड खुद लेती रहती है और सर्वाइव करती रहती है। सो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। नंबर टू, सेप्रोफाइट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद तो फूड नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, जैसे फंजाई। आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है तो हमारे पिकल के ऊपर, हमारी रोटी के ऊपर, हमारी ब्रेड के ऊपर एक लाइट वाइट या लाइट ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, कॉटन जैसी फ्लफी लेयर। ये क्या है? ये फंजाई है। ये कैसे ग्रो हो गई? क्योंकि एयर में हर समय ये प्रेजेंट रहते हैं, इतने छोटे ऑर्गेनिज्म हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही हॉट एंड ह्यूमिड इनको क्लाइमेट मिलता है, ये किसी भी जगह पर फूड को अपने अंदर ले लेते हैं और वहीं पर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं और ग्रो कर जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर थ्री इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं। कई बार इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रीन भी होते हैं और वो फूड भी बना सकते हैं, लेकिन उस बने हुए फूड से उनकी नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो खत्म नहीं होती है, नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है, और तब ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ये इंसेक्ट्स को अपने अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और अपना फूड लेते हैं, अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को खत्म करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट कैसा होता है? एक मटके जैसी लीफ होती है, पिचर कहते हैं मटके को, एक मटके जैसी लीफ होती है और इसमें ऊपर की तरफ एक लिड लगा होता है, एक ढक्कन लगा होता है। क्या होता है? जब जैसे क्योंकि इसका कलर जो होता है वो बहुत ब्राइट होता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इंसेक्ट्स को, इसकी जो लिड है वो खुली रहती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आकर इसकी साइड में बैठता है तो यहाँ पर एक म्यूकस मटेरियल लगा होता है जिसकी वजह से उसके जो
लेग्स है, उसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर स्टिक हो जाती है और तब वो इस पर चिपक जाता है। और जैसे ही वो इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है, चिपकता है, ये अपनी लिड को बंद कर लेता है और इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है और इसको ये डाइजेस्ट करके अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देता है।